नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम, हेलो, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन आरडी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड बिकॉज यू आर फ्रेशेस। ओके, सो आई एम रिचा, सर्टिफाइड टैरो रीडर एंड सर्टिफाइड रीकी हीलर, एंड करंटली रीकी हीलिंग इज ऑन होल्ड। एंड मुझे मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। मच एंजल हीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ विल बी योर करियर इन द मंथ ऑफ मे। ओके, हाउ विल बी योर करियर इन द मंथ ऑफ मे, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग फ्रेंड्स। तो अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो वेरी गुड, अगर नहीं करती है तो यू कैन वॉच द होल रीडिंग और यू कैन चूज इन अदर पाइल और यू कैन कम बैक इन अदर टाइम। ओके, बिकॉज अभी मे मंथ को भी कुछ टाइम रह गया है, तो यू कैन ऑलवेज कम बैक इन अदर टाइम। ओके, सो चलिए, नाउ विल मूव ऑन टू पाइल, ऑल द पाइल्स। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, वी हैव 3 पाइल्स ओवर हियर। ठीक है, दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज द ग्रीन क्लिप। ओके, पाइल नंबर 2, दिस मल्टी कलर क्लिप। पाइल नंबर 3, दिस पर्पल क्लिप। ओके, सो दिस इज पाइल नंबर 1, दिस ग्रीन क्लिप, ट्रांसपेरेंट ग्रीन क्लिप। पाइल नंबर 2 इज दिस मल्टी कलर क्लिप, एज यू कैन सी। पाइल नंबर 3 इज दिस पर्पल क्लिप। ओके, सो यू कैन क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, यू नो, एंड आस्क यूनिवर्स एंड गॉड टू डायरेक्ट टुवर्ड्स द राइट पाइल। आपको सही पाइल की तरफ ले जाएं गॉड सी, खुदा सी, यूनिवर्स के लिए। चलिए, अब हम अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो मैं शुरुआत करती हूँ, नहीं तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया था, दिस ग्रीन क्लिप, लेट मी सी कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, आपके करियर में क्या होने वाला है द मंथ ऑफ मे। हमारे पास है 6 ऑफ कप्स, देन वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, द फूल एंड द हर्मिट। तो फॉर सम ऑफ यू आई एम फीलिंग, आप लोग अभी करंटली हर्मिट मोड में हैं, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और डूज एंड डोंट्स, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, उसको एनालाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको टाइम है कि आप ये कीजिए। ठीक है, और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है, इसमें अपने सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए। ठीक है, आपने मंथ ऑफ मे में आप जो इतने प्लान्स आपने बनाए थे, उन प्लान्स की तरफ आप एग्जीक्यूशन करेंगे, यू गोइंग टू डू सम एग्जीक्यूशन ऑन दोज प्लान्स जो आपने बनाए थे। ठीक है, एंड आई एम गेटिंग कि कोई आपके पास से कोई पर्सन है जो आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर करने वाला है, आपका कलीग हो सकता है, आपका कोवर्कर हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, ये कुछ लोगों के लिए है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर करने वाला है, किसी के थ्रू आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या आपको वो पर्सन कॉन्टैक्ट करने वाला है। अगर आप किसी के कॉन्टैक्ट का वेट कर रहे हो तो आपको कॉन्टैक्ट करने वाला है वो पर्सन, वो पर्सन आपके प्रोफेशनल सर्कल में हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपको प्रोफेशनल हेल्प दे सकता है। ठीक है, आपको नेक्स्ट मंथ में आपके लिए बहुत अच्छा है, फाइनेंसिस वाइज, करियर वाइज, आपकी नई शुरुआत होगी, नई बिगनिंग्स होगी, आपके करियर में स्टेबिलिटी आएगी, आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, आपको जॉब है तो आपको रेज या प्रमोशन कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, या आपको डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, और आपके करियर में नई शुरुआत होगी, नए एवेन्यूज खुलेंगे आपके करियर में। ठीक है, नए रास्ते खुलेंगे आपके करियर में। ठीक है, देन वी हैव, आप इस नई शुरुआत की तरफ लीप ऑफ फेथ लेंगे फ्रेंड्स। दोनों कार्ड नई शुरुआत के होते हैं, ये भी नई शुरुआत का कार्ड होता है, तो आप नई शुरुआत करेंगे नेक्स्ट मंथ अपने करियर में। अगर आप ऑलरेडी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको आपके करियर में कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कुछ नया काम आपको मिल सकता है। ठीक है, नई शुरुआत हो सकती है, नया प्रमोशन, सैलरी हाइक, तो कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो इवेंचुअली सब कुछ अच्छा है आपको इन द मंथ ऑफ मे, आप एक्शन लेंगे, आपके पुराने कॉन्टैक्ट्स के साथ आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे, और आपके जो है आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज,
आप स्वॉट एनालिसिस करेंगे, नहीं करी है तो करिए आप इसको, ठीक है। अपने स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के ऊपर थोड़ा एनालाइज करिए और देखिए कि आपकी आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आप उसका बेहतर फ़ायदा उठा पाएंगे, ठीक है। चलिए नाउ विल मूव ऑन टू पाइल नंबर टू। पाइल नंबर वन रीडिंग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सॉरी आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, ओके। So God bless you all. I'll see you in another reading. Till then, ta-da, bye-bye, take care, much love. So we moving on to pile number two. जिन्होंने ये multicolor clip select किया था, देखते हैं आपके लिए आपके cards क्या कहते हैं। हमारे पास है the world, then we have the devil. Power, power, much power. Page of Wands, immature energy, waiting energy, apprentice energy. Five of Wands, teamwork, conflicts. King of Wands, kingly status, higher position. Four of Cups, dwelling on the past, thinking, death, transformations, healings, and Ace of Swords. न्यू बिगनिंग्स। तो जैसे मैंने आपको बताया साथ साथ में, आपके नेक्स्ट मंथ में आपके लाइफ में कुछ पावर स्ट्रगल से होने वाले हैं, विच एम गेटिंग। आप पावरफुल पोजिशन पे आने वाले हैं, आपको कोई पावरफुल पोजिशन ऑफर होने वाली है, ठीक है। और आप में से कुछ लोग अगर जूनियर पोजिशन पे थे तो आपको सीनियर पोजिशन ऑफर होने वाली है, ठीक है। आप लोगों के साथ अगर ऐसा होता है कि आपका क्रेडिट कोई और ले जाता है काम में, आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, तो उस चीज़ का कोई सोल्यूशन निकलेगा नेक्स्ट मंथ। और आप जो है, आपको कोई ऑफर मिलने वाला है, जॉब ऑफर, ठीक है, उसके बारे में आप सोचेंगे। टीम वर्क से काम करेंगे तो काम जल्दी निपटेगा आपका, ठीक है। टीम वर्क से, सॉरी गाइस आई एम नॉट फीलिंग वेल, टीम वर्क से काम करेंगे तो काम जल्दी निपटेगा आपका। और ठीक है, आपका जो है, आपको टीम लीडर का स्टेटस मिल सकता है नेक्स्ट मंथ, या आपको पोजीशन ऐसी मिल सकती है कि आपको एक टीम मैनेज करनी पड़े। ये मैं कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि ये देखिए, ये पांच लोग हैं और इसके साथ में किंग आया है, तो आपको ये टीम मैनेज करने को दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आप ये पोजीशन लेने से पहले आप सोचेंगे, बहुत सोच विचार करेंगे आप, ठीक है। आप उसके बाद, आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे नेक्स्ट मंथ, आप हीलिंग से गुजरेंगे, नई शुरुआत होगी आपकी। क्योंकि ये देखिए, जो ख़त्म होना था वो ख़त्म हो चुका है, अब आपकी नई शुरुआत होगी, न्यू बिगिनिंग्स। दोनों कार्ड्स नई शुरुआत के आए हैं, देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो आपको जॉब ऑफर मिल रही है नेक्स्ट मंथ, आपको सीनियर पोजीशन मिल रही है, आपको टीम मैनेज करनी होगी, आपको टीम वर्क के साथ काम करना होगा, ठीक है। और अगर आपको क्रेडिट कोई और ले जाता है तो खुद डिप्लोमेटिकली आप अपने थोड़े सीक्रेसी डिस्क्रिशन बरती अपने काम में, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और अपने पास में छोड़ के अपने प्रेजेंट में जीना सीखिए, ठीक है। ये थी पाइल नंबर टू की रीडिंग। आप लोग हो सकते हैं ओवरसीज ट्रैवल करें, या अभी तो फिलहाल नहीं हो सकता, लेकिन आपको ओवरसीज से कोई जॉब ऑफर आ सकता है, फ्रीलांसिंग का ऑफर आ सकता है, या आपको ओवरसीज का कोई काम था तो वो पूरा हो सकता है। लेकिन हो सकता है आने वाले महीनों में, मई के बाद आप अक्टूबर नवंबर तक, जब भी सिचुएशन ठीक हो जाएगी तब शायद आपका जो रास्ता खुल सकता है अब्रॉड जाने का, ओवरसीज जाने का, ठीक है। चलिए, ये थी पाइल नंबर टू की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए मूविंग ऑन टू पाइल नंबर थ्री। पाइल नंबर थ्री देखते हैं आपके करियर में क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ मे। वी हैव द मैजिशियन, वेरी नाइस। एस ऑफ वांड्स, ब्यूटिफुल, वेरी हॉट। The Empress, graceful. We have Six of Wands, recognition. Two of Wands, Eight of Wands. Okay, fire signs बहुत prominent है यहाँ पे. Temperance. जी, तो
सॉरी गाइस, मैं वीडियोस कंबाइन कर करके बनाती हूँ, तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। आपको नई जॉब रिलेटेड कुछ कम्युनिकेशन आ सकता है, ईमेल आ सकता है, कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, और मुझे ट्रैवल दिख रहा है, ठीक है। क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं आपको, स्पिरिचुअल ओकल्ट अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं मुझे, और आपका वीनस जो है स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। और आपका अगर जॉब है, जॉब में आपको कुछ अच्छा ही होगा, आपका जॉब में आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा, ये देखिए रिकग्निशन मिलेगा आपको आपकी जॉब में, जब आप काम कर रहे हैं अभी करंटली जहाँ पे, आपको रिकग्निशन मिलेगा आपकी जॉब में, और आपको दूसरी जॉब मिल सकती है अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो, और जहाँ जॉब सर्च करेंगे वहाँ पे आपको रिकग्निशन मिलेगा, ठीक है। और क्योंकि मैं ऐसा इसलिए, आप बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे फ्रेंड्स, आप इसको मैनिफेस्ट कीजिए, आप इसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं, आप मैनिफेस्ट कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट कीजिए आप इसको, तो आपको वो जॉब मिलेगी जैसी आप चाहते हैं। और अपने फाइनेंस का फिलहाल ख्याल रखिए, सोच समझ के खर्च कीजिए, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग, आपको नई जॉब मिलने वाली है, प्रमोशन मिलने वाला है, रिकग्निशन मिलने वाला है, पैसा आने वाला है, ठीक है, ट्रैवल भी होगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच ऑन द बॉटम ऑफ माय हार्ट, गॉड ब्लेस यू, एंजल्स हीलिंग्स यू। फिर मैं आपको मिलूंगी फिर एक नई रीडिंग में, तब तक के लिए शुक्रिया देखने के लिए और नमस्कार।